ना साक्षी, तो खेल क्यों नहीं रही है? नहीं मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं घर जा रही हूँ। चलो ना साक्षी, तेरे स्कोर पे लाल लग कैसा? अरे ये तो खून है, हमें टीचर के पास जाना चाहिए। चलो जाते। लगता है साक्षी को पीरियड्स आए। हाँ टीचर। क्या हुआ टीचर? साक्षी के स्कर्ट पे खून के निशान है और इसके पेट में बहुत जोर से दर्द भी हो रहा है। साक्षी तुम घबराओ मत। रिया तुम बाकी बच्चों को बुलाकर जाके क्लास में बैठो, मैं साक्षी को लेकर अभी आती हूँ। चलो। साक्षी अपने हाथ अच्छे से धो लेना, ठीक है? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा सुनो, अपनी मम्मी का नंबर दे दो मुझे। 9 9 9 9 6 9। अच्छा सुनिए, एक फ्रेश स्कर्ट और एक हीट बैग का इंतजाम कर दीजिए। साक्षी जाओ अपनी सीट पर बैठो। तो बच्चों आज हम पीरियड्स यानी कि मासिक के बारे में बात करेंगे। इसे टाइम या फिर चम्स भी कहते हैं। ओके? पर टीचर ये पीरियड्स क्या होता है? उसके पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि हम बड़े कैसे होते हैं। हमारे दिमाग के निचले हिस्से में एक ग्रंथि होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये ग्रंथि हमारे शरीर में नए हार्मोन्स बनाती है जिसकी वजह से हम बड़े होते हैं। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं, जैसे कि लंबा होना, चेहरे पर मुहासे आना, स्तन का बड़ा होना, गुप्त अंगों पर बाल आना, या फिर खिलौनों की जगह दोस्तों का साथ पसंद आना। लेकिन इसका जो सबसे अहम काम होता है वो है हमें जवान बनाना। आम तौर पर हमारे शरीर में ये बदलाव 8 से 13 साल की उम्र में शुरू होते हैं। टीचर, पर पीरियड्स में खून क्यों? हमारे पेट का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर यूट्रस यानी कि गर्भाशय होता है। आगे चलकर के बच्चा यहीं पर बनता है और यूट्रस के दोनों तरफ ओवरी यानी कि अंडाशय होते हैं जो हमारे बड़े होने पर फीमेल एग्स को यूट्रस तक पहुंचाते हैं। यूट्रस इन फीमेल एग्स को सुरक्षित रखने के लिए टिश्यू की एक दीवार बनाता है जो कि खून और पोषक तत्वों से भरी होती है। अब इन फीमेल एग्स को मेल स्पर्म ना मिलने पर वो इस टिश्यू की दीवार को तोड़ के शरीर से बाहर निकल आते हैं। पीरियड्स के दौरान जो हम खून देखते हैं वो इस टिश्यू की दीवार का ही खून होता है। किसी को ये 3 तो किसी को 7 दिनों तक होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर की बनावट अलग अलग है। तो क्या मैं माँ बन जाऊंगी? नहीं, माँ नहीं बनोगी, लेकिन पीरियड्स आने का मतलब ये होता है कि हमारा शरीर माँ बनने के काबिल हो चुका है और हमारे शरीर का विकास ठीक तरीके से हो रहा है। टीचर, क्या पीरियड्स हमें हमेशा होते रहेंगे? नहीं, पीरियड्स 45 से 55 साल की उम्र में बंद हो जाते हैं जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, लेकिन तब तक पीरियड्स महीने में कम से कम एक बार होंगे। पर टीचर, साक्षी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होना, मरोड़ आना या फिर जी मचलाना आम बात होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूट्रस होता है वो अंडों को बाहर निकालने के लिए खुद को दबाता है जिससे हमें दर्द महसूस होता है। ऐसे में हीट बैग या फिर गर्म पानी की बोतल को कपड़े में लपेट कर पेट के निचले हिस्से में लगाने से बहुत आराम मिलता है। और हाँ, कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं जो इस दौरान बहुत मदद करती हैं। लेकिन सबसे खास बात, पीरियड्स के दौरान हमें अपने शरीर की साफ सफाई का बेहद ख्याल रखना चाहिए और अपने गुप्त अंगों को एकदम साफ रखना चाहिए जिससे कि
इन्फेक्शन का कोई खतरा ना हो। टीचर, पर क्या खून निकलने से कमजोरी नहीं होती? नहीं, पर जरूरी है कि पीरियड्स के दौरान हम संतुलित आहार लें, जैसे कि हरी सब्जियां और दूध, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में। हमें कैसे पता चलेगा कि पीरियड्स कब होने वाले? ये काफी सिंपल है। आपका जो लास्ट पीरियड था उसका पहला दिन आप कैलेंडर पे मार्क कर लो, और जो दूसरा पीरियड है उसका भी पहला दिन कैलेंडर पे मार्क कर लो। इन दो पीरियड्स के बीच में जितने दिनों का गैप होता है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और आमतौर पर ये 28 से 34 दिनों की होती है। दो पीरियड्स के बीच में जितने दिनों का गैप होता है अक्सर सारे पीरियड्स उतने दिनों के बाद ही आते हैं। ये तो सच में सिंपल है। और हाँ, पीरियड्स के दिनों में सैनिटरी नैपकिन हमेशा अपने साथ रखें। पर टीचर, ये सैनिटरी नैपकिन क्या होता है? सैनिटरी नैपकिन एक बहुत ही हाइजीनिक शोषक वस्तु है जिसका इस्तेमाल हम पीरियड्स के दिनों में करते हैं। ये खून के बहाव को सोख लेता है और पहने हुए कपड़ों पर दाग नहीं लगने देता। टीचर, ये नैपकिन हम कितने दिनों तक यूज कर सकते हैं? एक नैपकिन को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए, और रेगुलर इंटरवल्स पे नैपकिन्स को बदलते रहना चाहिए। और हाँ, इस्तेमाल किए हुए नैपकिन्स को हमेशा पेपर में लपेट करके ही फेंके। और सबसे जरूरी बात, नैपकिन इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। टीचर, क्या हम सूती कपड़ा यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई औरतें हैं जो सूती कपड़ा या फिर सूखी घास जैसी घरेलू चीजें यूज करती हैं। ये गलत तो है ही, साथ ही साथ इससे स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है, और फिर सूती कपड़े को एक जगह फिक्स करके रखना भी मुश्किल होता है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी नैपकिन ही यूज करना चाहिए। पर टीचर, उन दिनों मेरी बहन को कम और मुझे ज्यादा बहाव क्यों होता है? ये भी हॉर्मोन्स का ही प्रभाव है। हर लड़की के बहाव का स्तर और पीरियड्स की अवधि अलग अलग होती है, इसलिए किसी को खून कम तो किसी को ज्यादा आता है। लेकिन हाँ, अगर खून लगातार और ज्यादा मात्रा में आए और अगर थकान महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बच्चों, याद रखिए कि पीरियड्स में हमेशा सैनिटरी नैपकिन ही इस्तेमाल करना चाहिए। टीचर। अरे साक्षी, तुम्हारी मम्मी आ गई। बच्चों, आप लोग कुछ देर के लिए क्लास से बाहर जाइए, मुझे साक्षी की मम्मी से कुछ बात करनी है। दरअसल साक्षी के पीरियड शुरू हुए हैं, इस वजह से वो थोड़ा परेशान है। ओह अच्छा, मैं उसे जरा बात कर लूं? क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैंने साक्षी और क्लास में बच्चों को पीरियड से संबंधित जानकारी दी है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि इसमें पेरेंट्स का भी कुछ फर्ज बनता है। पर टीचर, पीरियड्स की प्रॉब्लम से तो हर महिला को गुजरना पड़ता है, इसमें कोई क्या कर सकता है? देखिए, इसे प्रॉब्लम मानने से तकलीफ और बढ़ेगी। पीरियड्स के दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी हम इसे सही तरह से संभाल पाएंगे। एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों के पीरियड शुरू होने वाले हैं? पीरियड शुरू होने के कुछ दिन पहले ही हमारे शारीरिक और मानसिक व्यवहार में बदलाव आता है, जैसे कि स्तनों में सूजन आना, पेट में दर्द होना और चिड़चिड़ापन आ जाना। जी बिल्कुल, अलग अलग महिलाओं में अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, इसे PMS या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। टीचर, ये PMS से बचने का कोई उपाय है? देखिए, PMS हार्मोन्स की वजह से होता है, इसे पूरी तरीके से तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन एक्सरसाइज करने से बहुत आराम मिलता है। इसीलिए बच्चों को खेलने दीजिए और आप भी एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के साथ साथ पौष्टिक आहार लेना भी बहुत जरूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी और आयरन हो। और हाँ, पीरियड्स में कुछ चीजों से दूर रहना चाहिए, और PMS ज्यादा तकलीफ दे तो डॉक्टर से सलाह लें। टीचर, कहते हैं कि पीरियड्स में हम अशुद्ध हो जाते हैं, तो क्या इसलिए हम पे रोक लगाई जाती है? ये सोच बिल्कुल गलत है। पीरियड्स के दौरान यदि हम खुद को साफ सुथरा रखें तो हमारे कुछ खाने या कहीं जाने पर कोई रोक नहीं है। पीरियड्स के दौरान खुद पर रोक लगाना एक बहुत ही पुरानी सोच का नतीजा है। हमारा फर्ज बनता है कि आज की इस पीढ़ी को इस सोच से बिल्कुल दूर रखें। टीचर, हम कितने खुशनसीब हैं जो हम सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं।
पर ऐसी कई महिलाएं हैं जो आज भी सूती कपड़े इस्तेमाल करती हैं। जी सही कहा आपने, पीरियड्स के बहाव को रोकने के लिए महिलाएं सिर्फ सूती कपड़ा ही नहीं सूखी घास भी इस्तेमाल करती हैं। क्या? जी हाँ, और इससे इन्फेक्शन और सर्वाइकल कैंसर होने का भी खतरा रहता है, इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी नैपकिन्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पर टीचर, आजकल मार्केट में कितने तरह के सैनिटरी नैपकिन्स आए हैं, समझ में नहीं आता कौन सा इस्तेमाल करें। मैं बताती हूँ आपको, हर पैड के अलग होने के पीछे भी एक वजह है। जैसे कि वंडरविंग सैनिटरी नैपकिन जिसमें दो प्रकार आते हैं, फ्लफी और अल्ट्रा, जो अलग अलग साइजेस में होते हैं और जिनका यूज बहाव और जरूरत के अनुसार किया जाता है। जैसे कि फ्लफी में सॉफ्ट कंफर्ट नैपकिन मुलायम तो है ही, साथ ही साथ कंफर्टेबल और स्किन फ्रेंडली भी है। ड्राई कंफर्ट पैड्स का पॉलीटॉप शीट आपके स्किन को हमेशा ड्राई रखता है। सिल्की टच नैपकिन में सॉफ्ट कंफर्ट और ड्राई कंफर्ट दोनों की खूबी है। इसके सेंट्रल पार्ट में मौजूद पॉलीटॉप शीट गीलेपन को जल्दी सोखता है और सॉफ्ट कॉटन एजेस रैशेस नहीं होने देता। उसी तरह अल्ट्रा के भी दो वैरायटीज हैं, अल्ट्रा ड्राई और अल्ट्रा सिल्की टच। ये नैपकिन इतने मुलायम और पतले हैं कि आपने नैपकिन पहना है उसका एहसास ही नहीं होने देते। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ कराने के लिए शुक्रिया। मैं साक्षी के मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखने के अलावा उससे समाज की पुरानी सोच से भी बचाऊंगी। वैसे भी आज से आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब आप सिर्फ साक्षी की माँ ही नहीं बल्कि इसकी दोस्त भी हैं। ये वक्त डर और शर्मिंदगी का नहीं बल्कि उत्साह और खुशी का है।